गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे अपना 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। और आज का अपना टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएँ 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया, नंबर 3 विस्थापन, नंबर 4 द्विविस्थापन, नंबर 5 उपचयन अपचयन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन, वियोजन को डीकम्पोजिशन, विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उपचयन अपचयन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिनको मिला के बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। देखो इन ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं अभिक्रियाओं के, अब इनके बारे में पढ़ने से पहले अगर हम इनकी परिभाषाएं पढ़े, संयोजन अभिक्रिया जैसे इनकी परिभाषाएं इनके नाम में छिपी होती है, जैसे जो इनका नाम लिखा हुआ है, जैसे लिखा है संयोजन, तो संयोजन का मतलब क्या होता है, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, दो या दो से अधिक चीज़ों को कंबाइन करना, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। अब संयोजन अभिक्रिया सबसे पहले हम देखते हैं अपनी संयोजन अभिक्रिया। देखो पहला अपना टाइप है संयोजन अभिक्रिया और दूसरा टाइप है वियोजन अभिक्रिया, तो हम इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन और वियोजन अभिक्रिया मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। देखो मैंने साथ में क्यों लिखी, क्योंकि साथ में लिखोगे, साथ में पढ़ोगे तो इनका कंपैरिजन भी समझ में आ जाएगा कि इन दोनों के बीच में क्या क्या अंतर है, अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा। तो संयोजन अभिक्रिया जैसा ही नाम से पता चल रहा है, संयोजन जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर एक पदार्थ बनाया जाता है उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई एक पदार्थ का निर्माण करेंगे, जैसे ए बी ने मिलकर बना दिया सी। यहाँ पे जो ये दो हैं ए और बी, ये तत्व भी हो सकते हैं, हो सकता है दोनों तत्व हैं, ठीक है, हो सकता है एक तत्व है दूसरा यौगिक है, हो सकता है दोनों यौगिक हैं। तो तत्व और तत्व मिलते हैं तो यौगिक बनता है, तो तत्व और तत्व मिलके यौगिक बनता है, तत्व और यौगिक मिलके भी यौगिक ही बनता है और यौगिक यौगिक मिलके भी यौगिक बनता है। तो दो या दो से अधिक तत्व, एक तत्व या एक यौगिक या दो यौगिक मिलके यौगिक का निर्माण करेंगे, वो होती है संयोजन अभिक्रिया। जैसे हम उदाहरण लेते हैं जिसमें दो तत्व या दो से अधिक तत्व जुड़कर कोई एक यौगिक का निर्माण करेंगे, जैसे हमने उदाहरण ले लिया, हमने पढ़ भी लिया मैग्नीशियम, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है 2MgO। तो देखो मैग्नीशियम एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, लेकिन यह तत्व नहीं है, ये एक यौगिक है, कंपाउंड है ये। तो दो एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाएंगे, दो तत्व मिलकर एक यौगिक बनाएंगे। दूसरा उदाहरण ले लो, जैसे कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो CO2 बनता है, ये एक यौगिक है और ये तत्व है, ये भी तत्व है। इसके अलावा जैसे O2 प्लस H2, या उल्टा करते हैं की बात है, H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 बनेगा H2O, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है और H2O एक यौगिक है, हम पढ़ चुके हैं यौगिक। यौगिक क्या होता है, यौगिक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, जैसे ये जल है तो इसमें तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले होंगे। तो और कोई उदाहरण ले सकते हैं, ये तो कभी तत्व आपस में जुड़ेंगे, अगर हम बात करें एक तत्व की और एक यौगिक की बात करें, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो
कार्बन मोनोक्साइड ये एक यौगिक है और ये एक तत्व है, उसने कहा था तत्व और यौगिक मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें दो यौगिक जुड़ते हैं, हम पढ़ भी चुके हैं, जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, इसमें हम पानी डालेंगे तो बनेगा स्लैग लाइम, बुझा हुआ चूना CaOH2 स्लैग लाइम बुझा हुआ चूना। तो CaO एक यौगिक है, H2O एक यौगिक है और दोनों के जुड़ने से बनेगा CaOH2 एक यौगिक ही बनेगा। देखो इन सभी अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसलिए इन अभिक्रियाओं को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। एक बात और याद रखना, ये जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं इन सब के होने में कहीं ना कहीं ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा मुक्त होती है। जनरल सी भाषा में वैसे मैं अगर बता दूं कि दो चीजें अगर आपस में टकराती हैं, मान लो मैं किसी से टकराऊं, किसी के साथ लड़ाई करूं, तो क्या ऊर्जा की गर्मी तो पैदा होगी ना, तो इसलिए दो तत्व जब आपस में जुड़ते हैं तो वहां ऊर्जा मुक्त होती है। तो जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं इस साइड लिखी मैंने, ये संयोजन अभिक्रियाएं हैं और संयोजन अभिक्रियाओं में ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए ये सारी कैसी हैं, ऊष्मा सेपी अभिक्रियाएं हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रियाएं ऊष्मा सेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो ये होगी संयोजन, नाम से ही पता चलता है संयोजन, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करेंगे तो वो संयोजन अभिक्रिया। अब बात आती है दूसरी, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया एक ऐसी, देखो नाम में ही है, वियोजन का मतलब होता है टूटना और डीकम्पोजिशन टूटना, तो जिसमें एक बड़ा पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो उदाहरण के लिए अगर हम ले लें, एक बात याद रखना, वियोजन अभिक्रिया कोई भी पदार्थ, जैसे मैं अगर कोई पदार्थ लूं ए और ये टूट जाए बी और सी में, लेकिन ये ए ये अपने आप तो टूटने से रहा, ये अपने आप नहीं टूटेगा, इसके ऊपर किसी न किसी चीज की क्रिया होगी, मतलब इसके ऊपर किसी न किसी चीज का इफेक्ट होगा, तो वो इफेक्ट किसका होगा, ऊर्जा का होगा, तो इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी तभी ये पदार्थ ए टूट सकता है वरना नहीं टूटेगा। तो ए को ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा किस रूप में मिल सकती है, ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मिल सकती है, मतलब हम इसको गर्म कर दें, या उस ऊर्जा मिल सकती है सूर्य के प्रकाश से, या फिर ऊर्जा मिल सकती है विद्युत धारा से, हम इसमें विद्युत धारा गुजार दें तो तब भी इसको ऊर्जा मिल सकती है, तो तब भी ये टूट सकता है। कहने का मतलब क्या है, कोई पदार्थ तब टूटता है जब उसको ऊर्जा दी जाती है, बिना ऊर्जा के कोई पदार्थ नहीं टूटता। तो अब जैसे ऊष्मा से कोई पदार्थ टूटेगा तो हम उसको बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन, विद्युत धारा से टूटेगा तो उसको बोलते हैं विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन, विद्युत धारा से टूटा है। तो इन सब के अलग अलग उदाहरण है, वो पढ़ेंगे हम और पेपर में उदाहरण ही आते हैं ज्यादातर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऊष्मीय वियोजन के उदाहरण। ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन जैसा कि नाम से पता चल रहा है ऊष्मा के कारण वियोजन होएगा। अब उदाहरण लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर भी इसको बोल सकते हैं, जो चौक होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, संगमरमर का जो पत्थर होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप गर्म करते हो तो यहाँ गर्म कर दिया तो CaO और CO2 ये कैल्शियम कार्बोनेट तो सॉलिड होता है, ठोस होता है, तो इसको S और ये C ये भी सॉलिड है और ये है गैस। जब हम इसको गर्म करते हैं तो CaO निकलता है, CaO मतलब अभी मैंने बताया था बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना जो ये है इसको बोलते हैं क्विक लाइम, इंग्लिश में क्विक लाइम बोलते हैं इसको। इसका उपयोग इंडस्ट्रीज में किया जाता है सीमेंट बनाने में और ग्लास बनाने में, सीमेंट के लिए और ग्लास बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है ये, इसका यूज किया जाता है। तो इस ये हो गया भाई ऊष्मीय वियोजन। दूसरा एग्जांपल हम लेके चले उसमें ऊष्मीय वियोजन का ही, तो आयरन सल्फेट है आप लोगों के पास FeSO4। आयरन सल्फेट देखो इसको फेरस सल्फेट भी बोल देते हैं, एक होता फेरस एक होता फेरिक। फेरस किसको बोलते हैं,
फेरस उसको बोलते हैं जहां आयरन की संयोजकता दो होती है, उसको बोलते हैं फेरस। जैसे यहाँ पे आयरन की संयोजकता प्लस टू है तो इसको हम बोलेंगे फेरस। अगर आयरन की संयोजकता तीन हो कहीं पे उसको बोला जाता है फेरिक। तो आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट एक ही बात है, जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है, इसमें Fe2O3 SO2 एंड SO3 इसमें टूट जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटेगा, तो यहाँ दो बैलेंस हो जाएगी। ये ठोस होता है सॉलिड, ये ठोस हो जाएगा सॉलिड। देखो ये होता है ग्रीनिश कलर का, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल क्या होता है, देखो क्रिस्टल जिनका एक खास संरचना होती है, ऐसी चीजें होती है जिनकी एक खास संरचना होती है उसको बोलते हैं क्रिस्टल। जैसे आपने नमक देखा होगा, नमक के बड़े बड़े से टुकड़े, नमक पाउडर वाला नहीं जो हमारे घरों में आता है, जो हम लेके आते हैं वो वाला नहीं, एक बड़े बड़े टुकड़ों में भी आता है ना वो वाला, उसको देखो या फिटकरी को देखो या कॉपर सल्फेट को देखो, लैब में मिलेगा। इन सब की संरचना देखोगे ना कुछ खास तरह की होती है, इनमें चमकीले दाने से होते हैं मोटे मोटे से, तो वो क्रिस्टल होते हैं। जब और इनको देखोगे इनमें एक अलग ही पहचान है इनकी, ये चमकीले से दिखाई देंगे आपको, और ये शीशे से टाइप का जैसा कुछ ग्लास होता है चमकीला सा वैसा दिखाई देगा। तो ये आयरन सल्फेट है या फेरस सल्फेट, वास्तव में इसका जो सूत्र होता है आयरन सल्फेट का वो होता है FeSO4 7H2O, 7H2O, और ये 7H2O जो होता है इसको बोलते हैं क्रिस्टलीकरण जल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण जल। मतलब कहने का जो आपके पास फिटकरी है या फिर आपको कॉपर सल्फेट आपके पास, वो कॉपर सल्फेट में पानी होता है, अगर हम इसको लेके इसको थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में लेके इसको गर्म कर दें, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने 2 ग्राम फेरस सल्फेट लिया और इसको गर्म कर दिया, तो इसका जो वाटर है वो वेपर के रूप में निकल जाएगा और आयरन सल्फेट पीछे बच जाएगा। अब ये भी आयरन सल्फेट है और जो पीछे बचेगा वो भी आयरन सल्फेट है। अंतर क्या अंतर है, इसमें जो बच जाएगा उसमें पानी नहीं होएगा, वो अनहाइड्रस आयरन सल्फेट होगा, और ये है हाइड्रस आयरन सल्फेट, मतलब इसमें वाटर है साथ में। इसका होता है ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर का होगा, और जब इसमें से वाटर निकल जाएगा तो वो हो जाएगा कलरलेस, वाइट सा आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। तो ये 7H2O ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मैंने यहाँ पे 7H2O नहीं लिखा, सिर्फ रिएक्शन को या इक्वेशन को सिंपल रखने के लिए, तो मैंने यहाँ H2O नहीं लिया है। तो ये भी उसमें वियोजन है आयरन सल्फेट का टूटना। एक और है जो आता है पेपर में, लेड नाइट्रेट EbNO3Ke2, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। अगर हम इसको गर्म करें तो बनेगा PbO+NO2+ oxygen, जो उसने कहा मैंने वही लिख दिया, कंकाली समीकरण है। अभी इसको बैलेंस नहीं किया, बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, ये आ गया लेड नाइट्रेट एनओ, यहाँ पे तो PbNO3Ke2 है, ट्वाइस है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 4 आएगा, तब जाके ये बैलेंस होगा, ठीक है। तो ये है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को गर्म किया तो इसमें से निकलेगा लेड ऑक्साइड। देखो ये जो लेड नाइट्रेट है, जब टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लो और उसको गर्म करो, देखो इसको ऐसे ही आपसे करके गर्म नहीं करना, इसको एक टेस्ट ट्यूब होल्डर आता है जिसमें टेस्ट ट्यूब को लटकाया जाएगा, उसमें इसको फिट करके और फिर इसके ऊपर गर्म किया जाएगा। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करोगे तो ये कलरलेस सा होता है, मतलब कलरलेस क्या, वाइट सा होगा। तो जब इसको गर्म कर देंगे तो इसमें से ब्राउन से फ्यूम्स निकलती हुई, ब्राउन से कलर का धुआं सा निकलता हुआ दिखाई देगा इस टेस्ट ट्यूब में से। वो जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स होंगी, वो धुआं सा होगा, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का होगा, जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इसमें बनी है वो बाहर निकलेगी और उसका धुआं सा हमें दिखाई देगा, और पीछे की जो बच जाएगा वो येल्लो कलर का बच जाएगा, वो बचेगा लेड ऑक्साइड, मतलब इसका कलर होता है येल्लो। लेड ऑक्साइड का कलर कैसा होगा, येल्लो होगा।
तो ये तीन मैंने एग्जांपल बताए किसके, ये तीनों ऊष्मीय वियोजन के उदाहरण मैंने बताए हैं। और उदाहरण ले लेते हैं हम नेक्स्ट किसका, अब मैंने बताया था ऊर्जा तो किसी भी रूप में दी जा सकती है, ऊष्मा के रूप में दी जा सकती है, उसके उदाहरण मैंने पर बता दिए। अब ऊष्मा अगर दी जाए इसमें विद्युत धारा के रूप में तो वियोजन कैसे होगा, जैसे वाटर है आप लोगों के पास, इसमें से विद्युत धारा गुजार देंगे तो H2+O2 ये गैस बनती है 2H2O, ऐसे पानी को ले लेंगे और उसमें से विद्युत धारा को गुजारेंगे, कैसे करेंगे देखो ये चित्र मैंने बना रखा है। इसमें देखो इसमें क्या है, हमने एक बोतल ले ली, एक वाइड माउथ बोतल, एक ऐसी बोतल जिसका थोड़ा सा मुंह है, उसको नीचे से काट दिया और बोतल को उल्टा रख दिया, उल्टा रखा है, ये नीचे से कटी हुई है उल्टी रखी है, तो इसके नीचे हमने ये कोर्क लगा दिए, कोर्क फिट कर दिए, कोर्क है, कोर्क क्या है, कोर्क होता है एक प्लास्टिक का या रबड़ का टुकड़ा सा होता है, इस रबड़ के टुकड़े के बीचों बीच इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। इलेक्ट्रोड क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड मतलब जिसमें से विद्युत धारा गुजर जाए आसानी से, जैसे सेल के बीचों बीच एक कार्बन ग्रेफाइट का ब्लैक सा एक स्टिक होती है ना सेल के बीच में, जब सेल को तोड़ोगे उसमें से निकलेगी, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं हम यहाँ पे, या पेंसिल के अंदर जो होता है सिक्का पेंसिल का, उसका प्रयोग यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो इसमें इस कोर्क के कोर्क में छेद करके इनको फिट कर देना है, इन दोनों को इलेक्ट्रोड को, और इनके ऊपर फिर दो टेस्ट ट्यूब को ऐसे रख देना है, जब हम इसको इनको बैटरी से जोड़ेंगे तो विद्युत धारा यहाँ पानी है पानी से प्रवाहित होगी। ये बैटरी का प्लस वाला सिरा है, प्लस वाले सिरे से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा होता है उसको बोलते हैं एनोड, और जो माइनस वाले सिरे से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं कैथोड, ठीक है। तो अब पानी में जब विद्युत धारा हम गुजारेंगे तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो निकलेगी। अब हाइड्रोजन आपको पता है हाइड्रोजन तो प्लस के आयन होते हैं तो माइनस की तरफ भागेंगे, तो इस पानी में जब हाइड्रोजन के आयन बनेंगे तो माइनस सिरे की तरफ भागेंगे, मतलब इस इलेक्ट्रोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस बनेगी। और देखो इसमें पहले पानी था, जैसे जैसे गैस बनती रहेगी बुलबुले के रूप में इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर इकट्ठी होती रहेगी और पानी के ऊपर दबाव पड़ता रहेगा, टेस्ट ट्यूब में पानी नीचे जाता रहेगा और गैस बढ़ती रहेगी, ऐसा ही इसमें होगा। यहाँ एनोड पे इकट्ठी होती है ऑक्सीजन, क्योंकि एनोड प्लस वाला है और ऑक्सीजन में होते हैं माइनस के आयन, तो वो माइनस ऑक्सीजन वो प्लस वाले की तरफ भागेगी, इसलिए एनोड पे ऑक्सीजन बनती है। एक बात याद रखना, जब हम इन टेस्ट ट्यूब को देखते हैं तो पता चलेगा कि इस टेस्ट ट्यूब में गैस जो बनी है वो दुगनी मात्रा में बनती है, किससे, इस टेस्ट ट्यूब में जो गैस बनती है, मतलब कहने का हाइड्रोजन दुगनी मात्रा में बनती है और ऑक्सीजन उससे आधी बनती है। उसी से हमें पता चलता है कि पानी का जो सूत्र होता है उसमें हाइड्रोजन डबल होती है, किससे, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से, इसलिए उसका सूत्र हमने बनाया H2O, ठीक है। इस जल, ये जल का एक अणु है, इस जल के एक अणु में हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, ऑक्सीजन का एक परमाणु है, तो जब ये टूटेगा तो इसमें हाइड्रोजन दो निकलती है और ऑक्सीजन एक निकलती है, इसलिए जल के एक अणु के टूटने पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से दुगनी मात्रा में निकलती है, ये प्रश्न आता है, इसलिए मैंने बताया है। तो ये होगा भाई विद्युत धारा द्वारा वियोजन, इसको बोलते हैं जल अविद्युत अपघटन। दूसरा उदाहरण भी ले सकते हो, जैसे NaCl है, इसको पानी में घोलो और विद्युत धारा गुजारो तो सोडियम निकलेगा और क्लोरीन गैस निकलेगी, ठीक है। ये होगा भाई विद्युत धारा गुजारने पर, तो ये दोनों एग्जाम्पल थे किसके, विद्युत धारा द्वारा वियोजन। अब है सूर्य के प्रकाश में वियोजन कैसे होता है, जैसे मान लो आप लोगों के पास सिल्वर क्लोराइड है या सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर क्लोराइड AgCl, इसको आप लोगों ने धूप में रख दिया, एक बैटरी डिश लेके और इसमें भर के सिल्वर क्लोराइड डाल के थोड़ा सा और धूप में रख दिया है, तो ये वो थोड़ी देर के बाद उसमें एक स्लेटी से रंग का कोई पदार्थ बन जाएगा, वो पदार्थ होता है सिल्वर Ag, और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी, 2AgCl2Ag यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा ही सिल्वर ब्रोमाइड में होता है AgBr, तो 2Ag+Br2 ये होता है। ये दोनों में प्रकाशीय वियोजन होता है, मतलब AgCl सिल्वर क्लोराइड में और सिल्वर ब्रोमाइड में, तो याद रखना
जब भी वियोजन होगा, वियोजन के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, मतलब ऊर्जा देनी पड़ेगी। वो ऊष्मा के रूप में भी दे सकते हैं, वो विद्युत धारा के रूप में भी दे सकते हैं, या फिर सूर्य के प्रकाश से दे सकते हैं। और तीनों के उदाहरण मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ये याद रखने हैं। अब मैंने बताया था, ये देखो, संयोजन में हमें ऊर्जा देनी, सॉरी, हमें ऊर्जा मिलती है। संयोजन जब दो चीज़ों का संयोजन होता है, जुड़ती है, तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इसलिए संयोजन वाली ऊष्मा शेपी है। जबकि ये वियोजन वाली ऐसी अभिक्रियाएं थी जिनको शुरू करवाने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है या ऊर्जा देनी पड़ती है, इसलिए ये अभिक्रियाएं कैसी है, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं। मतलब वियोजन अभिक्रियाएं कैसी हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं। ठीक है भाई, तो ये मैंने अलग अलग क्यों करवाई, ऊष्मीय वियोजन या प्रकाशीय वियोजन या फिर विद्युत धारा द्वारा वियोजन, ये क्यों करवाए, क्योंकि पेपर में पिछले साल ही प्रश्न आया था कि वियोजन का एक एक उदाहरण दो जिसमें वियोजन ऊष्मा द्वारा होता है, सूर्य के प्रकाश में होता है और विद्युत धारा द्वारा होता है, इस तरह का प्रश्न आया था, इसलिए ये सारे मैंने करवाए हैं। ठीक है भाई, अब एक बात याद रखना, ये दोनों की बिल्कुल उल्टी होती है, दोनों अभिक्रिया एक दूसरे की उल्टी होती है, इसलिए मैंने साथ में लिखा है ताकि इनका कंपैरिजन पता चल जाए। इसमें चीजें जुड़ती है, इसमें टूटती है। जैसे अगर हम श्वसन का एक उदाहरण ले लें, श्वसन मतलब ग्लूकोज का टूटना, C6 वो तो वियोजन में आएगा ना, C6H12O6, ये टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है और साथ में निकलती है ऊर्जा। ये खास एग्जांपल है, इसको याद रखना, ये एक्सेप्शन है। देखो, इसमें एक पदार्थ टूट रहा है, वियोजन हो रहा है, जबकि मैंने अभी बताया था कि वियोजन में ऊर्जा देनी पड़ती है। ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ये वियोजन है लेकिन इसमें ऊर्जा मुक्त होती है, ये बात याद रखना। ठीक है भाई, तो श्वसन एक ऊष्मा शेपी अभिक्रिया है, जबकि उसमें पदार्थ एक से अधिक चीजों में टूटता है। एक मैंने आप लोगों को बताया था, ये आयरन सल्फेट का, ये फेरस और फेरिक Fe2O3, ये फेरस, सॉरी, ये फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड क्यों, क्योंकि मैंने बताया था फेरस जो होता है, फेरस, उसमें तो होती है आयरन की दो संयोजकता और फेरिक में होती है आयरन की तीन संयोजकता। यहाँ आयरन की तीन संयोजकता है इसलिए इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। इसका दूसरा नाम मैंने पहली वीडियो में बताया था, इसको आयरन 3 ऑक्साइड बोलते हैं, और उसमें भी बताया था क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयरन की संयोजकता होती है तीन, इसलिए इसको आयरन 3 ऑक्साइड कहते हैं। आयरन के 3 ऑक्साइड मैंने बताया था, एक FeO बताया था, यहाँ आयरन की संयोजकता 2 होती है, इसलिए इसको फेरस बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड। ये फेरस ऑक्साइड है या फेरस या आयरन 2 ऑक्साइड, ये याद रखना। ठीक है भाई, तो ये थे दो अभिक्रियाएं, कौन सी, अगर और भी उदाहरण है वैसे ऊष्मीय वियोजन का, जैसे पोटेशियम क्लोरेट, ऊष्मीय वियोजन देखो ये तीन, ये याद रखना, मैं बार बार क्यों इन पे स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर में आते हैं। एक उदाहरण इसमें पोटेशियम क्लोराइड का KClO3, जब ये टूटेगा तो पोटेशियम क्लोराइड निकलता KCl+ ऑक्सीजन, ये भी ऊष्मीय वियोजन है। ठीक है, बैलेंस करने पड़ेगा, बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लेना। लेड ऑक्साइड येलो कलर का बनता है, मैंने बताया आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, और जो ये निकलता है फेरिक ऑक्साइड ये ब्राउन कलर का होता है, ये ब्राउन कलर का होता है। ठीक है भाई, तो ये होगी संयोजन और वियोजन अभिक्रियाएं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपने इन दोनों संयोजन और वियोजन अभिक्रियाओं का आज अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तभी ये समझ में आएगी। बुक जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएगी। भाई यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करो, समझो और प्रैक्टिस करो बुक से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।